अंगदान को लेकर एक बार फिर मध्य प्रदेश सुर्खियों में है। इंदौर की 37 साल की नेहा चौधरी अब इस दुनिया को अलविदा कह गई है, लेकिन उनकी आंखें किसी की जिंदगी को रोशनी दे गई हैं। उनका लीवर और दोनों किडनियां अलग अलग लोगों को डोनेट की गई है। दरअसल उनके पति पंकज चौधरी ने रविवार को चौथराम अस्पताल में बताया कि उनकी पत्नी नेहा ने कुछ महीने पहले ही परिवार को बताया था कि मेरी मौत के बाद मेरा लीवर, फेफड़ा, किडनी ये सब जरूरतमंदों को डोनेट कर दिया जाए ताकि किसी को नया जीवन मिल सके। नेहा की इसी ख्वाहिश को हम पूरा कर रहे हैं। ये एक्चुअली उसी की खुद की इच्छा थी कि मतलब लोगों को इतने ऑर्गनों की ज़रूरत रहती है, को हर फैमिली में मतलब लोगों को परेशानी होती है, तो अंगदान लोगों को करना चाहिए। बोले अगर मैं कभी भविष्य में मेरे साथ ऐसा होता है तो बोले मैं अपने सारे ऑर्गन डोनेट करना चाहूँगी, कम से कम लोगों का भला तो हो। तो अभी जब उसकी ये स्थिति बनी तो अपन ने यही उसकी बात मुझे याद आई, तो मैंने बोला अपन ये करते, कम से कम अपना परिवार तो रहा नहीं, कम से कम दूसरों के चार पाँच लोगों का परिवार कम से कम इस चीज़ को यूज़ करें। इसलिए फिर एक्चुअली क्या हुआ कि उसको एकदम स्ट्रोक हुआ। अपन यहाँ लाए, लाने के बाद सर ने देखा और बोला कि इसको अगर अपन सर्जरी करेंगे तो ये बच जाएगी। अपन ने उस लिए सर्जरी भी करवा दी। अब सर्जरी कराने के बाद उसका ब्रेन डेड हो गया। अब ब्रेन डेड हो गया तो हमने बोला अब तो कुछ, सर ने बोला आप ले जा सकते हैं या फिर ये है, तो मुझे एकदम याद आया कि ब्रेन डेड होने के बाद अपन ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। दरअसल रविवार दोपहर को एक बार फिर शहर में 41वां ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। ब्रेन डेड होने के कारण इंदौर की नेहा चौधरी की दोनों किडनियां, लीवर, आंख और त्वचा इंदौर में ही ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। लीवर चौथराम में ही ट्रांसप्लांट होना था, जबकि एक किडनी CHL हॉस्पिटल में, दूसरी बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती मरीज को ट्रांसप्लांट करना था। सभी काम प्रोटोकॉल के तहत किया गया। देखिए ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव इंदौर शहर में चल रहा है और ये आप सभी लोगों की मदद से चल रहा है। ये जो ग्रीन कॉरिडोर है, ये पेशेंट पहले 12 तारीख को एडमिट हुआ था, उसके बाद 15 काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में एडमिट हुआ था। 15 तारीख को इनका सर्जरी करी गई थी, लेकिन उस क्रिटिकल कंडीशन से वो बाहर नहीं आ पाए और उसके बाद 17 तारीख को अपने अटेंडेंट्स ने ये फैसला लिया कि उन्हें डोनेशन करना है। तो फिर पूरा एनालिसिस करने के बाद कल पहली बार सुबह और फिर रात को दूसरी बार ब्रेन डेड डिक्लेयर किया गया। तो आज सुबह जो ऑर्गन डोनेशन स्टार्ट हुआ है तो दिल्ली से टीम आई है चौथराम हॉस्पिटल के लिए। आपको बता दें कि नेहा चौधरी करीब एक हफ्ते पहले चौथराम अस्पताल में इलाज के लिए आई थी, जहां न्यूरो सर्जरी के बाद नेहा का ब्रेन डेड हो गया था। फिलहाल नेहा तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उन्होंने कई लोगों को नई जिंदगी दे दी है। इस तरह से नेहा मरकर भी आज किसी और के शरीर में जिंदा हो गई। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट MP तक।